अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो तो सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर फोर थीटा इक्वल टू वन। आगे हल करते हैं, दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये हमें दिया गया है और हमें यह सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक राशि है साइन स्क्वायर थीटा और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमने पक्षांतर कर दिया। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध मिल गया इस प्रश्न के लिए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है ये। अब हमें जो सिद्ध करना है ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर फोर थीटा इक्वल टू वन। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जो कॉस का पावर फोर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसे हम रिप्लेस कर देते हैं साइन थीटा से, तो हमें क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर जो मान दिया गया ये साइन थीटा के इक्वल है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो सरसमी का है, ये होता है वन। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पे पहुँच चुके हैं, तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर फोर थीटा इक्वल टू वन, तब जब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर जहाँ पर है यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू इंटू कॉस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू इंटू साइन थीटा, ये हमें दिया गया है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो चलिए हल करते हैं, पहले हम लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, ये क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। अब थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर हमें लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ऐसा करने के लिए हम दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर लेते हैं और आगे हल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा का स्क्वायर। इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट टू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा टू और कॉस थीटा का स्क्वायर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दो पद है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और लेफ्ट हैंड साइड पे है टू साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए आगे चलते हैं, रूट यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसे एज इट इज़ लिखते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए हमें
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया गया था और हमें लेकर के आना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो बचा हुआ पद है इसे लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर लेते हैं और आगे हल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से मिल गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये जो पद है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, इसे हम समीकरण एक का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं रूट टू कॉस थीटा से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर टू है और यहाँ पर रूट टू है, इसको आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा रूट टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो जो राइट हैंड साइड में उसे हम लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हम कर चुके हैं। प्रश्न है, यदि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू एम और ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स इक्वल टू एन हो, तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो जो चीज़ें पहले दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू एम है समीकरण एक। दूसरा समीकरण है ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स इक्वल टू एन समीकरण दो। जो हमें सिद्ध करना है वहाँ पर राइट साइड पे है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दोनों समीकरण का वर्ग करके हम जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा और राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस फॉर्म में हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस। इस पद का विस्तार करते हैं तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू ए बी साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये पद और ये पद दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, इस वजह से ये पद और ये पद में देखिए इसमें ए स्क्वायर जो है ये कॉमन है, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली इन दोनों पदों में जो है ये बी स्क्वायर कॉमन है, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये बराबर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये वन होता है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन बी स्क्वायर जो कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था। हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन का। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, यदि टेन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू एम हो तथा टेन एक्स माइनस साइन एक्स ये एन के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू फोर देन रूट एम एन। तो हल करने के लिए जो राशियां दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है टेन एक्स प्लस साइन एक्स, ये दिया गया है m समीकरण एक। दूसरा है
टेन एक्स माइनस साइन एक्स ये इक्वल टू एन, दूसरा समीकरण, और हमें निकालना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कर लेते हैं, राइट साइड को मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये मिल जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स साइन एक्स, फिर माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स इंटू साइन एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स साइन एक्स, फिर ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस टू टेन एक्स साइन एक्स। टेन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली टू और टू यहाँ से आ जाएगा फोर टेन एक्स इंटू साइन एक्स। इसे हम समीकरण तीन नाम देते हैं, फोर रूट एम एन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर तो कॉमन है, रूट एम एन, एम के लिए हम रखेंगे टेन एक्स प्लस साइन एक्स और एन के लिए रखेंगे टेन एक्स माइनस साइन एक्स। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर इंटू स्क्वायर रूट ओवर टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फोर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो उसे हम स्क्वायर रूट के बाहर ले आएंगे तो आप लिख पाएंगे साइन एक्स और फिर स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा फोर साइन एक्स स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फोर साइन एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो फोर साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आकर के आ जाएगा साइन एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स। तो आगे जब इसे हल करेंगे तो देखिए फोर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आप लिख सकते हैं टेन एक्स और ये साइन एक्स। इसे समीकरण चार देते हैं। समीकरण तीन व चार से देखिए फोर रूट एम एन और यहाँ पर हमने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के लिए जो वैल्यू निकाला है ये दोनों इक्वल टू है फोर टेन एक्स साइन एक्स के। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स रूट एम एन। अगला प्रश्न है, यदि साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी और कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू क्यू हो तो टेन ए और टेन बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो पहली बात जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी, समीकरण एक, कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू क्यू, समीकरण दो। समीकरण एक भागित दो हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए अपॉन साइन बी इंटू ये कॉस ए और अंश में चला जाएगा कॉस बी, इसी तरीके से हमें मिलेगा पी बाई क्यू। तो देखिए ये साइन ए है और ये कॉस ए है, तो आप इसे एक साथ लिख लीजिए, ये साइन ए है और ये कॉस ए है, एक साथ लिख लेते हैं
साइन ए अपॉन कॉस ए, इसी तरीके से कॉस बी है और ये साइन बी है। तो देखिए ये टेन ए हो गया और ये टेन बी हो गया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये टेन ए और हर में आ रहा है टेन बी इक्वल टू पी बाई क्यू। इसे समीकरण तीन नाम देते हैं। आगे हम लिख सकते हैं टेन ए अपॉन पी इक्वल टू टेन बी अपॉन क्यू इक्वल टू लैम्डा, माना ये वैल्यू लैम्डा के बराबर है। तो पहला पद और अंतिम पद को ले तो आप लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू पी लैम्डा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन बी इक्वल टू क्यू लैम्डा। इसे समीकरण चार हम नाम दे देते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इस सर्व समीका का हम उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण एक में देखिए साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू पी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू पी इंटू साइन बी। साइन ए को हम टेन के पदों में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे टेन ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी तरीके से p इंटू साइन बी को लिखेंगे टेन बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर टेन बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर बी। टेन ए p लैम्डा के बराबर है और टेन स्क्वायर ए है, तो आप इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये p और टेन बी q लैम्डा के बराबर है, तो आप लिखेंगे q लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर बी, मतलब क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से ये पी और ये पी कैंसिल हो जाएगा, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो पी लैम्डा और ये पी और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा वन प्लस पी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं तो आपको मिलेगा वन प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और इधर आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर इंटू वन प्लस पी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो मिलेगा वन प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे तो मिलेगा क्यू स्क्वायर फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर वाले पदों को हम एक तरफ लिख लेते हैं, तो यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर ये है क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला पद, और फिर इक्वल टू है क्यू स्क्वायर और ये माइनस वन, ये जो प्लस वन है इसको हमने पक्षांतर कर दिया, राइट साइड में आपको मिलेगा माइनस वन। तो आगे हमें जब लैम्डा स्क्वायर निकालना हो तो हम लिख सकते लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन इन दोनों पदों में यदि हम क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लें तो मिलेगा वन माइनस पी स्क्वायर। ये वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर की। तो यहाँ से हम यदि लैम्डा निकालना हो तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन, ये जो क्यू है ये बाहर आ जाएगा लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर होगा, वन माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए टेन ए का मान निकालना था तो टेन ए इक्वल टू है पी इंटू लैम्डा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टेन ए इक्वल टू पी इंटू लैम्डा, ये पी हो गया लैम्डा का मान ये प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्यू रूट ओवर वन माइनस पी स्क्वायर। इसी तरीके से टेन बी का मान आपको निकालना हो तो ये टेन बी इक्वल टू क्यू, ये हो गया क्यू, फिर लैम्डा, लैम्डा का मान है प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्यू इंटू वन माइनस पी स्क्वायर, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं टेन बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरीके से टेन बी का मान ये है टेन बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर, या फिर आप दोनों स्क्वायर रूट को एक साथ लगा सकते हैं
और इसे हम ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। सिमिलरली ये जो टेन ए की वैल्यू है इसे आप लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू प्लस माइनस पी अपॉन क्यू, और स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। और यही दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। त्रिकोणमितीय चार्ट जहाँ पर आपने साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट इन त्रिकोणमितीय फलनों के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अलग अलग मानों को देखा है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है या विशेष मानों के लिए किस फलन का मान क्या होता है ये आपको पता नहीं है तो उस चार्ट को हम किस तरीके से बना सकते हैं, और साथ ही साथ 90 अंश से अधिक कोण 90 से लेकर के 180 अंश के बीच में जो मानक कोण आने वाले हैं उसी तरह 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री के बीच में जो भी मानक कोण आने वाले हैं उसे हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये हम आगे देखेंगे। और साथ ही जब कोण का मान 360 अंश से अधिक हो तब हम उसे किस तरह से ज्ञात करेंगे यह भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो आपने त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के अलग अलग मानों जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन कॉस और टेन का मान आपने चार्ट के रूप में देखा है। अगर वो चार्ट आपको याद है तो बड़े आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं, और अगर आपको ये चार्ट याद नहीं है अलग अलग मानों के लिए साइन कॉस और टेन का मान तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बना सकते हैं। तो ये जो डिग्री दिया गया इसके लिए नीचे हम 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देते हैं और सबको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। बड़ा आसान है। पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा फिर 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, वर्गमूल लगा दीजिए हर एक पद में। तो देखिए 0/4 इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, 1/4 का स्क्वायर रूट है तो आपको मिल जाएगा 1/2, ये 2/4 का स्क्वायर रूट है तो ये 1/√2 ये आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा √3/2 और इसे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 1। तो ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है ये साइन फंक्शन के लिए है। इसका मतलब क्या है कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इसी को अगर आप उल्टे क्रम में लिख दें 1√3/2 1/√2 1/2 और 0 तो ये जो मान हमें मिल रहा है ये कॉस के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये कि कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 होगा। और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो 0/1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, ये मिल गया 0। 1/2 और √3/2 दोनों का भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे दिस अपॉन दिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा √3 और 1/0 ये इन्फिनिटी होता है या जो कि अपरिभाषित है। तो इस तरीके से आप साइन कॉस और टेन के लिए 0, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए मान निकाल सकते हैं। आपको पता है कि कोसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का 1/ होता है या व्युत्क्रम होता है। उसी तरीके से सेक थीटा जो है वो 1/ कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा जो होता है 1/ टेन थीटा होता है। तो इस संबंध का उपयोग करके आप कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए भी इन अलग अलग कोणों के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि 90 डिग्री ये आप जानते हैं ये 0 डिग्री ये 90 डिग्री ये 180 डिग्री ये 270 डिग्री देन अगेन जब आप एक पूरा चक्कर कर लेते हो तो 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रथम चतुर्थांश के लिए आपने मान देखे थे मानक जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। अब आगे इसी तरीके से भी और भी कोण आएंगे उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे आगे देखेंगे। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है जहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि 1060 डिग्री इक्वल टू 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 square 30 डिग्री। तो थोड़ी देर पहले हमने साइन कॉस और टेन के मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए देखा था।
तो उसका हमें उपयोग करना है और आगे हल करेंगे, हल करेंगे तो हमें सिद्ध हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान आपको पता है ये वर्गमूल 3 होता है। तो ये पहला मान मिल गया हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड पर चलते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है टेन 30 डिग्री की, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन 30 का मान ये होता है 1/√3, वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस, ये टेन 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 2/√3 अपॉन, इसे जब हल करेंगे तो मिल जाएगा 1/3, नीचे में लघुत्तम सम पड़ता आएगा 3, यहाँ से यहाँ 3 − 1 दैट इज 2, और ऊपर में है 2/√3। आगे हल करते हैं, ये 2/√3 है और नीचे का 2 और ये 3, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली 3/√3, इसे और आगे हल करेंगे मिल जाएगा √3। तो पहले और दूसरे से आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 × tan 30 डिग्री अपॉन 1 − tan²30 डिग्री, ये सिद्ध होता है। तो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए cos 2θ इक्वल टू 1 − tan²θ अपॉन 1 + tan²θ जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos 2θ, थीटा का मान 45 डिग्री है तो रख देंगे हम 2 × 45 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं जहाँ पर है 1 − tan²θ अपॉन 1 + tan²θ। 1 − tan²θ इट मीन्स टेन 45 का स्क्वायर हमें लिखना है यहाँ पर, और 1 + tan·45 का स्क्वायर लिखना है। अब चूंकि tan 45 की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 − 1/1 + 1, ऊपर मिल गया 0, 0/1 = 0, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि cos 2θ इक्वल टू 1 − tan²θ अपॉन 1 + tan²θ होगा कब, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों का मान अलग अलग चतुर्थांश में किस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक समतल को हम 2 अक्षों द्वारा 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। तो इन अलग अलग चतुर्थांशों में जो 6 मूल त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट, इसका मान किस तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे, साथ ही इसका आगे हम उपयोग देखेंगे।